भाई संभलता ही नहीं है, ऐसा लगता है सांप फनफनाता हुआ भाई जंगल में घुसा जा रहा। ओ भाई जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। तो बाहर से अच्छा रोड था लेकिन कमबख्तों ने मुझे मड्ढे के रास्ते भेज दिया। भाई बहुत देर हो गई, मुझे लगता है कि ग्लिच हो गया है, मुझे लगता है गेम रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं स्नो रनर। और भाई पिछली बार मैं ड्रिलिंग साइट पे आया था, मैंने बहुत सारा माल दिया था यहाँ पर, तो अब हमें जाना है नए मैप के अंदर जो है माउंटेन रिवर। तो चलते हैं वहाँ पे, पहुँचाने हैं 4 ऑयल बैरल। तो भाई मैंने माल लोड कर लिया था पिछले पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो भाई आप जा देख सकते हो। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6 बजे हैं भाई, मैंने सुबह का टाइम कर, क्योंकि यार इसमें टाइम मैंने आपको बताया ही है कि सुबह होती है या दोपहर होती है, तो बहुत ही बेकार सिस्टम है। तो चलो लेके चलते हैं इसको सुबह सुबह, क्योंकि शाम तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर। अब वो मैप के अंदर, तो मैं उस मैप को देखना चाहता था कि मैप के अंदर क्या क्या है। देखो अगर इसमें, तो भाई उस मैप में अभी कुछ नहीं हो सकता, वो लॉक है, तो इनको खोलना पड़ेगा। तो ये मैप अभी बिल्कुल लॉक है, हमें नहीं पता कहाँ पर क्या चीज़ है और ये माल कहाँ पर छोड़नी। तो बिल्कुल अनजान मैप है एकदम, अभी कोई पता नहीं उसके अंदर भाई क्या होगा, कहाँ पर गैराज भी होगा या नहीं होगा, अब कोई पता नहीं है, तो चल के पता लगेगा। तो चलो चलते हैं, इसको निकालते हैं जल्दी से, और यहीं से निकलना है, पास में ही है, ज़रा दूर नहीं है। तो ये मैप भी इतना बड़ा तो नहीं है, खैर ठीक ठीक ही है। तो अपना कमाज भाई चल क्यों नहीं रहा? अच्छा अच्छा भाई, ऑल व्हील ऑन नहीं करा था ना, तो ऑल व्हील भाई मैं शुरू शुरू में तो जब गेम ऑन करो तो बंद ही होता है, तो बाद में चलाना पड़ता है। तो देखते हैं भाई क्या होगा उस मैप के अंदर। और देखो इतनी मतलब सुबह हो चुकी है और अंधेरा इतना दिखा रहा है कि भाई जैसे शाम का टाइम है, तो लाइट जगा के जाना पड़ेगा। और देखो यार स्नो पड़ रही है, कितनी शानदार लगती है यार जब स्नो, यार दिल कर रहा है यहीं पे बिस्तर बिछा के भाई यहीं पे बैठ जाऊँ। बहुत ही बढ़िया मौसम, बहुत अच्छा। और भाई यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं होगा 1% भी, क्योंकि मिट्टी विट्टी नहीं है, मिट्टी उड़ नहीं रही, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, साफ़ है एकदम। अरे यार मैं किधर आ गया, अरे यार गला चला गया, अरे नहीं यार एकदम सही आ गया भाई। यहाँ पे बर्फ़ थी, अच्छा यहाँ बर्फ़ है, तो यार ये रास्ता नज़र नहीं आता, बताओ ये भी पंगा। आ जा भी आ जा, देखते हैं इसको आगे से, यार बर्फ़ किधर किधर है। आ जा आ जा आ जा, कमाज इधर आ जा। तो ये कमाज है, कमाज, तो मैंने कमेंट में पूछा था ये कमाज है कि कामज है, तो वैसे तो ये रशियन ट्रैक्टर है मुझे मालूम, ट्रैक्टर नहीं है यार ये, सॉरी ट्रैक्टर की गेम खेल खेल के ट्रैक्टर दिमाग में घुस गए। तो ये ट्रक है कमाज रशियन। ओ भाई भाई ज़मीन में घुस गया था अभी, तो मैंने सोचा था कि चलो मैप को देखता हूँ थोड़ा सा भाई कहाँ पर लेके जाना है माल को यार, लेकिन वो तो लॉक निकला, तो भाई उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तो उसके अंदर जाएंगे तो ही अनलॉक होगा। चलो देखते हैं, चलते हैं टनल में और सुनते हैं इनका सड़ा सा म्यूज़िक जो ये सुनाते रहते हैं हर बार। और अपना कमाई देखो भाई क्या गदरी स्पीड पे भाग रहा है, देखो 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 भाई संभलता ही नहीं है, ऐसा लगता है सांप फनफनाता हुआ भाई जंगल में घुसा जा रहा, तो लंबा सा है ना बहुत ही, तो अजोब से लंबा है ये ट्रक थोड़ा सा, तो भाई पानी के अंदर से निकलना पड़ेगा। तो वो टनल का निशान आने लगा उस तरफ, वो सामने है इधर, तो चलो आते हैं टनल वालों, रुक जाओ बेटा टेंशन मत लो, आ गया बस आ गया मैं ट्रक लेके। तो यहाँ से शॉर्टकट नहीं है यार, नदी है भाई, नहीं तो मैं शॉर्टकट मार लेता, लेकिन पंगा हो जाएगा, फंस जाएगा और हमारा चेहरा, हमारा सारा जो ऑयल है भाई नदी में बह जाएगा। और किसी भाई ने अगर बीड़ी जला के, बीड़ी सिगरेट जला के नदी में फेंक दी तो भाई नदी में हो जाएगा बहुत बड़ा धमाका, तो भाई हम नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई धमाका सा हो बड़ा सा, तो इसको ऐसे ले चलते हैं बाहर से ही। भाई लाइट बंद कर लेता हूँ, ओ यार लाइट बंद करके देखो बिल्कुल रोशनी चली जाती है, अब धूप निकल आई यार, देखो कितनी प्यारी प्यारी धूप निकली है, थोड़ी देर धूप सेकनी चाहिए रोज़ 15 मिनट, तो मैंने सेक लिए वैसे तो काफ़ी, तो विटामिन डी मिलता भाई फ्री में। तो कहाँ पर है टनल? ये तो भाई 4 मैप हैं अभी, तो हम दूसरे मैप में ही जा रहे हैं। और यार उसकी लकड़ी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उसकी लकड़ी नहीं दूंगा उसके अगले मिशन नहीं खुलेंगे। भाई ये भी पंगा है बताओ, ये इन्होंने जानबूझ के पंगा ले रखा मुझसे, ये इनको पता है कि स्टार लकड़ी देने में माहिर है, इसने बहुत लोग दी है, तो मैंने बहुत लोगों को डिलीवर करा इधर से उधर। लॉग्स तो लकड़ी बोलते हैं इंग्लिश में और लॉग बोलते हैं हिंदी में। कहाँ है बे टनल? ये रही ये रही,
आ गया बेटा आ गया मैं, ले तेरे टनल में आ भाई, तेरे टनल में घुसने वाला हूँ। तो यहाँ पर जाना मैं टनल, लिखा भी हुआ है देखो टनल, इधर टनल है इधर फैक्ट्री है। चलो अच्छा, तो भाई ये है मेन रोड और यहाँ पर है दोनों तरफ ग्रिल लगी हुई, तो भाई इस ग्रिल से बचा के चलाना पड़ेगा, अगर ये इस ग्रिल से टकरा गया तो डैमेज हो जाएगा। वैसे तो अभी मेरे ट्रक में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता, बुरे वक्त का बिना बताए टपक पड़ता है। तो निकालते हैं इसको, लो भाई टनल भी आ गई, चमकने लगी। ओह ये तो पास ही थी यार, अरे भाई लो अब दबाते भाई सी। लिया है भाई माउंटेन रिवर अलास्का यूएसए का मैप। ओ भाई बहुत ही शानदार लग रहा है, इसमें तो बहुत ही तगड़े तगड़े पेड़ लग रहे हैं भाई, ये मुझे लग रहा है कि उजाड़ है, जैसे वो मैप तो अच्छा था ये। भाई एक मिनट जरा म्यूजिक सुनते हैं इनका थोड़ा सा, और देखो वहाँ पर एक ट्रेलर खड़ा हुआ है सर्विस का, मैंने मुझे नज़र आ गया। ओके बेटा मैंने तुझे देख लिया, तो ये हो गया इनका थोड़ा सा म्यूजिक, अब चलते हैं आगे। एक मिनट और रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले भाई इस मैप को एक बार नज़र मार लें। ओ भाई मेरे, ओ यार ये तो बच्चा मैप है, आई मीन छोटा सा, इसमें तीन ही, तो मुझे गाड़ी लानी पड़ेगी भाई अपनी यहाँ पर। अच्छा गाड़ी ला के इन चेकपॉइंट को खोलना पड़ेगा, अभी तो हमें ये देना है सर्विस हब पे, तो सर्विस हब तो भाई सामने ही है, लो यहाँ पर। चलो फिर चलते हैं सर्विस हब में, और हटा भाई सावन की घटा, तो मेन रोड पे है सीधा सीधे, चल ठीक है निकाल। तो उस तरफ क्या था, उस तरफ एक सर्विस ट्रेलर खड़ा हुआ उस लेफ्ट में, तो मैंने देख तो लिया। अच्छा अच्छा भाई टास्क, एक मिनट रुक जाओ भाई, इसको ले लेता हूँ ना एक बार। अब भाई जा ही रहा हूँ यहाँ से, तो ले ही लेते हैं इसको आगे, तो चल हाँ इसको ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी टास्क करनी पड़ेगी, चलो। तो टास्क हर मैप के अंदर होती हैं भाई, छोटे छोटे काम पहले देते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे शादी के पहले लड़की लड़के को थोड़ा मिलवा देते हैं आपस में, ऐसे ये काम करवाते हैं। ओ भाई ये तो बहुत ऊंचा नीचा मैप है यार, वो देखो भाई मज़ा आने वाला है इसके अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को इसको देख देख के। देखो इसमें तो बहुत ऊँची ऊँची पहाड़ी हैं, ये देखो भाई नीचे रास्ता, सीधी हाथ पे रास्ता है लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा, वो देखो नीचे नदी बह रही है छोटी सी। तो बर्फ़ के अंदर क्या होता है भाई, बर्फ़ पिघलती है धूप से तो पानी बहता रहता है, और सड़कें भी गीली होती हैं, तो भाई इनके ऊपर बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। और भाई वहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं रॉकेट वॉकेट, क्या चीज़ है ये भाई, बहुत ही तगड़ा तगड़ा सब भाई इसके अंदर, तो फैक्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ बहुत तगड़ी हैं। और पीछे देखो एक घर भी नज़र आ रहा है, वो ऊपर पहाड़ी पे भी है, वो रहा चेक पॉइंट एक ऊपर, देखो वॉच पॉइंट कहाँ पर है अबे, अबे यही। ओह भाई ज़्यादा आगे चला गया, पीछे कर यार, ये तो बहुत ही आसान सा मिशन था, बस वहाँ से ले गया और यहाँ पर पटक दिया। लो भाई पकड़ो जल्दी से बेटा, पैसे निकालो, तुमने बहुत रुलाया मुझे, आई मीन बहुत सताया बर्फ के अंदर, ठंड से मैं मर गया। लो भाई FF करते हैं, 1 2 3 4, तो इसके मिले हमें $2500। अबे इतनी ठंड में मरवा दी और पैसे इतने कम, क्या बकवासबाजी है। एक्सेप्ट करते हैं, चलो जो भी मिला भाई भगवान का शुक्र मनाना चाहिए, कुछ तो मिला। तो ये है अगला ब्रोकन ब्रिज, इस पर देनी है कंक्रीट स्लैब एक, तो एक मिनट यहाँ से मिल जाएगी क्या, एक सेकेंड देख लेते हैं। नहीं भाई यहाँ से नहीं मिलेगी, ये सर्विस हब है ना, तो ये कहीं से और से मिलेगी, एक सेकेंड। ओह अच्छा अच्छा भाई थोड़ा रास्ता खुल गया है, तो एक काम करते हैं, एक मिनट वेयर हाउस, अच्छा तो वेयर हाउस से मिलेगी कंक्रीट स्लैब, तो ट्रक तो अपने पास है ही है, तो इस पुल को रिपेयर कर देते हैं ना, तो ट्रक को ले चलते हैं, एक ही देनी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक वेयर हाउस भाई यहाँ पर भी है, लेकिन इसका रास्ता मुझे नहीं पता अभी, एक सेकेंड रुको, ये भाई नदी के, ये पुल के इस तरफ है भाई, ये रास्ता पुल के इधर है, तो यहाँ पर आना मुश्किल है, तो यहाँ चलते हैं वेयर हाउस पर और लाते हैं कंक्रीट स्लैब भाई को देते हैं। चलो भाई अब एक अपने पास टास्क मिली गई है, तो और देखता हूँ रास्ते में कोई और टास्क मिले तो वो भी लेता चलूँगा, क्योंकि फिर और भी अपना काम हो जाएगा ना जितनी जल्दी हो जाए। तो आगे भाई आज नए मैप के अंदर, लो बधाई हो भाई लड़का हुआ है, अच्छा भाई भाई आजकल लड़की भी बधाई होती है, तो लड़की लड़का भाई एक समान है आज, कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ लड़की वाले सुखी हैं, क्यों क्या बोलते हो आप कमेंट करके बताना। और ये क्या है, ओ भाई इनके ऐसे की तैसे रास्ता बंद कर रखा है, अबे इतने बड़े बड़े पोर्ट होल क्यों कर रखे हैं, ये तो BMGN के अंदर होते हैं, यहाँ पर क्यों बना दिए तुमने। ओ भाई पाइप टूटा हो यहाँ पर, देखो डिटूर, तो कह रहे डिटूर करो डिटूर। और यहाँ पर आ गया भाई एक शानदार सा पेट्रोल पंप, पहले तो मैं भाई तेल भर लूँगा, जल्दी से तेल भर लूँगा इसमें फटाफट से। और यहाँ पर भी एक टास्क है, ओके नहीं टास्क नहीं है भाई, यहाँ से कुछ सामान मिलने वाला है। चलो CFFF करते हैं, और तेल अपना भर गया एक सेकंड में, चल बेटा निकाल।
तो ट्रेलर अभी मेरे पास बड़ा है, अब इसके अंदर ट्रेलर स्टोर होगा नहीं होगा या फिर इसके अंदर गैराज है कि नहीं है अभी कोई पता नहीं है, अभी देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। मैं कहाँ जा रहा हूँ, अच्छा उधर ही तो जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। अच्छा इसके अंदर भी पाइपलाइन आ रही है, देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक पाइपलाइन ड्रिलिंग साइट की चली जा रही है, और इसके अंदर पक्के रास्ते कच्चे रास्ते भाई सारे हैं। अब हमें जाना था भाई इधर को, काटते हैं जल्दी से, एक कंक्रीट स्लैब देनी है। अबे एक से काम हो जाएगा उनका, कंक्रीट स्लैब भाई एक पॉइंट की होती है शायद। ओ भाई शुक्र है यहाँ पर ये इंडिया गेट बना हुआ है, मतलब कि ये दरवाज़ा बना हुआ है, नहीं तो फिर इसको भी बनाना पड़ता। चल चल चल, अबे तूने ऑल बिल क्यों ऑन करा हुआ भाई इसका, पता नहीं यार मैं बोल गया। चल चल भगा ले जल्दी जल्दी। तो ट्रेलर अपने पास लंबा है यार, छोटा नहीं है अभी मेरे पास। यहाँ पे कोई सरकारी ट्रेलर होगा खड़ा तो उसको ले लूँगा, उसके साथ फिर मार लेंगे फटाफट टूर। और ये क्या है भाई, अरे यार इधर जाना था क्या, एक मिनट। अच्छा अच्छा भाई यहाँ पर भी सीधे हाथ पे कोई फैक्ट्री, ये इधर से भी दिखा रहा है। अच्छा यार ये दूर है काफ़ी, तो वो वेयर हाउस दूसरा है उसका निशान आ रहा है, तो ये कोई फैक्ट्री है अभी इसका कोई अता पता नहीं है। अभी कुछ टास्क होगी यहाँ पर, कोई काम होगा। तो लो भैया वेयर हाउस, इतना छोटा सा भाई, ये बहुत ही छोटा सा वेयर हाउस है। तो यहाँ से मिलेगी हमें कंक्रीट स्लैब, एक ले लेते हैं जल्दी से। और भाई तेल का टैंक भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, वेरी गुड। तो माल रखते हैं इस पर, मीडियम पाइप मिलेगी, स्मॉल पाइप मिलेगी। मीडियम पाइप क्या होती है भाई, अच्छा मीडियम पाइप दो पॉइंट, अच्छा मैंने छोड़ी तो थी। अच्छा स्मॉल पाइप भी दो पॉइंट की है, मीडियम पाइप भी दो पॉइंट की है, मतलब ये पाइप थोड़े मोटे हैं, वो पाइप पतले हैं, ये छोटे हैं, ये नाली के पाइप हैं, ये बड़े गटर के पाइप हैं। तो हमें देनी है कंक्रीट, अबे ये अच्छा भाई ये तो दो पॉइंट की होती है कंक्रीट स्लैब, एक मिनट कंक्रीट स्लैब है ना, हाँ ठीक है एक, ओ बस भाई बस एक ही लेनी है। तो यार अब पता नहीं ना मेरे को और कोई इसमें अगर टास्क होगी तो, यहाँ पे इतना सारा सामान हमें मिल गया, तो चलो निकालते हैं मैं ट्रक को वापस। और एक मिनट थोड़ा और काट ली, हाँ बस 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 भाई यहाँ से मोड़ता हूँ बर्फ़ के ऊपर से, और कोई तो रास्ता ही नहीं है। ले बैठा ले, सीधा 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 कर ले, सीधा कर ले भाई, ट्रेलर निकलने में तो चाहिए। तो आते ही टास्क मिल गई, देखो वाह भाई वाह, और क्या चाहिए। चलो दे के फटाफट पुल बनाते हैं और देखते हैं फिर, गाड़ी भाई अपनी भगानी पड़ेगी अब मेरे को वहाँ से, गाड़ी लेके यहाँ पर फटाफट इसकी टास्क वगैरह सब ढूंढनी पड़ेगी। और भाई उस मैप के अंदर नॉर्थ पोर्ट के अंदर मुझे लकड़ी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई लकड़ी नहीं दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको यहाँ पर देखें। तो भाई ये अच्छा, जब तक मैं इसको रिपेयर नहीं करूँगा मैं आगे नहीं जा सकता, चलो क्योंकि अभी इसका अंदर से रास्ता मालूम नहीं है भाई, अंदर से पता लगा और कहीं फंस गए और हम फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। रीस्टोरिंग द ब्रिज, तो ब्रिज को रीस्टोर करना भाई, वो टूट गया। तो यार पिछली बार तो इन्होंने मेटल बीम भी मंगाई थी और कंक्रीट स्लैब मंगाई थी, वुडन प्लैंक भी मंगाई हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये यही मंगा रहे हैं सामान। चलो अब भाई जो उनकी डिमांड है वो तो करनी पूरी करनी पड़ेगी ना, तो वहाँ पर निशान आ रहा है छोड़ने का, चलो छोड़ देते हैं अपना ट्रक भाई, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही तेज भगता है देखो। अच्छा तो कंक्रीट ब्लॉक होता है एक पॉइंट का, ये स्लैब है। ओके मैं यार कई टाइम हो गया कंक्रीट स्लैब छोड़ी नहीं बहुत टाइम से, तो ध्यान नहीं था। पेट्रोल पंप वालों कोई बात नहीं बेटा, वापस आऊँगा फिर तेल भरूँगा, अभी तो मैंने भर लिया 1000 रुपये का। चलो इधर निकालते हैं इसको भाई, ये क्या बना रखा है ये देखो, यहाँ पर इन्होंने कर रखा है काम खराब। और ये देखो अपने ओ कमाज भाई क्या कर रहे तुम, सीधा चल यार। ये इसकी ना कटिंग थोड़ी ज़्यादा है, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जल्दी कट जाता है भाई वो। ओ भाई मेरे क्या कट है कसम से, अगर यहाँ से नीचे चले गया ना ट्रक, ओए हो भाई कल्याण वस्तु हो जाएगा, कल्याण वस्तु समझते हो, कल्याण वस्तु नहीं समझते तो गूगल पर सर्च कर लेना। चलो निकालते हैं इसको जल्दी से, पीला पीला ट्रक, पीला पीला निशान और पीला पीला रिस्टोरिंग द ब्रिज, सब कुछ पीला पीला क्यों हो रहा है, देखो AWD भी पीला पीला हो रहा है। तो इसमें सिर्फ दो ही कलर मुझे नज़र आ रहे हैं, एक सफ़ेद और एक पीला, और एक सड़क काले रंग की, तो तीन रंग होगा। तो लो भाई, ओ बस भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो दबाते हैं भाई सी को एक बार, और एक बार सी को दोबारा दबाएंगे एक बार फिर से। अबे चल ना, हाँ ये पता नहीं इन्होंने सी से क्या कर दिया। ओ ये क्या है यार, अब यार ये बड़े चालू हैं ये भाई, इन्होंने पहले एक सामान मंगाया, आप बोल रहे स्पेयर पार्ट लेके आओ। अच्छा स्पेयर पार्ट तो मुझे लगता है, अरे यार रुक जा, अच्छा स्पेयर पार्ट तो भाई सर्विस सबसे मिल जाएंगे, लो
अब 200 ये भी देने हैं। अच्छा तो वो लॉक था, मैं भी सोचूं भाई इतनी जल्दी पुल कैसे बन गए एक ही कंक्रीट स्लैब से, बड़े चालू है भाई। चलो भाई ट्रक को निकालते हैं एक बार पीछे, भाई इसको घुमाना भी तो पड़ेगा। इधर को चल बेटा, इधर को चल 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 सीधा ले चल, देखता हूँ कैसे कटेगा अब ये। घुसाते हैं इसको अंदर, घुसाते घुसाते और आवश आवश आवश, चल चल चल। अरे पेड़ आ गए, पेड़ कोई बात नहीं, कट जाएगा कट जाएगा। काट दे कमास, बस 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 ले भाई। दो सर्विस स्पेयर पार्ट भी देने, बताओ ये तो यार ये वाला काम हो गया। निकाल दे, ओ पेड़ आ गया भाई, पेड़ आ गया था। चलो निकालते हैं। मैं अभी आपसे बोल ही रहा था ना, मैंने कहा यार इतनी जल्दी पुल कैसे बन जाएगा एक कंक्रीट स्लैब से। तो देखो ये भाई लगता है बड़ा पुल है, इसके ऊपर काफ़ी सारा सामान देना पड़ेगा, क्योंकि भाई बर्फ़ जहाँ पे पड़ती है ना वहाँ पे लोहे की चीज़ें जल्दी गल जाती हैं, क्योंकि रस्ट यानी जंग लग जाता है। गंज नहीं जंग, मैं गंज बोलने वाला था, पहाड़ गंज जैसे, तो जंग लग जाता है इसलिए वो ख़राब हो जाती है, रस्टी हो जाती है ना। चल भाई घुसा इसको फिर अंदर। लो भाई यहाँ से उठाते हैं फटाफट दो स्पेयर पार्ट। देखो यार कितनी जल्दी जल्दी काम करता हूँ मैं, देख रहे हो क्या फुर्ती है भाई। ओ यार ये क्या हो गया, अच्छा यार ये विंच लग जाती है हर बार। अरे सीधा, अरे क्या हुआ, ओए माल क्यों नहीं दे रहा, एक मिनट सी का निशान क्यों नहीं आ रहा भाई, तो ये क्या हो रहा है, एक मिनट ये निशान क्यों नहीं आ रहा भाई, सर्विस यहाँ से नहीं मिलेंगे क्या। अरे यार तू खुल जा पहले, और आगे है भाई, और आगे कहाँ पर है, एक मिनट यही तो है यार निशान, ये सी का निशान ही नहीं आ रहा। ओ भाई ये क्या गड़बड़ है, सर्विस ट्रेलर डिस्कवर्ड, अच्छा भाई हमने डिस्कवर किया। ये दे क्यों नहीं रहा सामान, एक मिनट भाई ये क्या चक्कर है यार, सामान उठाना है हमें, ये दे क्यों नहीं रहा भाई। बहुत देर हो गई, मुझे लगता है कि ग्लिच हो गया है, मुझे लगता है गेम रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी देखता हूँ रीस्टार्ट करके क्या होने वाला है। तो लो भाई मैंने गेम दोबारा रीस्टार्ट कर लिया, अब देखता हूँ यार ये पता नहीं ग्लिच था क्या था, अब देखता हूँ इसके ऊपर ले जाकर। हाँ तो ये देखो यार ये ग्लिच था भाई, मैं आधा घंटा परेशान रहा, वो माल दे नहीं रहा था। देखो अब करते हैं इसमें दो लोड और लेके चलते हैं इसको। तो यार ये ग्लिच था बहुत तगड़ा, देखो तो भाई मुझे गेम को रीस्टार्ट करना पड़ा और तब जाके ये आया। तो मैं समझ गया था कि ये ग्लिच हो गया, तो ये देखो ये ग्लिच हो जाते हैं गेम के अंदर। तो परेशान मत होना, अगर हो जाए तो गेम को चुपचाप से रीस्टार्ट कर लेना। भाई मैं भी कह रहा हूँ सी का निशान नहीं आ रहा, मुझसे कुछ मैंने कोई गड़बड़ कर दी है शायद, मुझसे यहाँ कोई गलत बटन दब गया है गेम का। लेकिन भाई इतना टाइम हो गया गेम खेलते खेलते, यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो ग्लिच हो जाता है भाई कभी कभी, हो गया था, आज पहली बार हुआ है वैसे मेरे साथ, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन मैं पुराना गेमर हूँ, मुझे समझ में आ गई थी कि क्या हुआ। तो कोई नया बंदा होगा सच में वो परेशान हो जाएगा, गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा, लेकिन भाई मुझे पता लग गया। चलो अच्छी बात है भाई पता लग गया, और देते हैं यहाँ पे दो स्पेयर पार्ट। लो भाई अपना आइए, ये आया अभी फ्लाई ओवर तैयार, हमने आते कर दिया पुल तैयार। लो भाई अब चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या माल मिलने वाला है। लो भाई चलो इसके मिले पैसे। ओ भाई अपने रैंक भी हो चुकी है 23, यू हैव बीन प्रमोटेड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं, हाँ ये थी विलेज डिलीवरी, ये पता नहीं क्या है, दो सीमेंट देने हैं। विलेज कहाँ पर है भाई, ओए इतने कोने में। तो अभी क्या टाइम हो गया, एक मिनट यार, अरे कहाँ गया मेरा, अभी टाइम तो बहुत कम हुआ यार। विलेज तो इसकी, तो जी आर एंटरप्राइज के टिम्बर वाले के नीचे और थे, अब नए मैप खुल गए इसके, नए जॉब आ गई इसकी और। तो पोलर बेस, अच्छा मैं हूँ अभी भाई यहाँ पुल के ऊपर, और ये कह रहा है पोलर बेस पे माल पहुँचाना है भाई, वुडन प्लैंक दो, एक सॉरी ये अच्छा 100 मिल और दो भाई फ्यूल स्टेशन से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से लेके चलते हैं पोलर बेस। तो चलो इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, फ्यूल स्टेशन पे चलते हैं सीधे ही है। तो जो मेरे जो पास है भाई उसको कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि अब ट्रक भी है अपना और अपना पास बढ़िया सा ट्रेलर भी है,
तो चलते हैं इसके पुल के ऊपर, देखते हैं भाई। ओए भाई गदर लग रहा है, देखो। ओए हो भाई काफ़ी गहरा है यार, मतलब काफ़ी नीचा, और नीचे से भी रास्ता है भाई जाने का, नीचे से भी पंगे लेने पड़ेंगे, चलो बाद में देखेंगे। वो टाइम ख़राब करवा दिया भाई इन्होंने मेरा, 10-15 मिनट ख़राब करवा दिए बेफालतू के, वो जो ग्लिच हो गया था। चलो हो गया था, क्या करें भाई, हो गया था। तो पेट्रोल पंप यहाँ पर वैसा ही है जैसे वहाँ था, तो यहाँ पर भी टास्क है। ओके, इनका भी कोई ट्रेलर वगैरह हो गया, तो ये हो गया कार्गो मैनेजमेंट। यहाँ से लेते हैं 2 फ्यूल, तो फ्यूल चाहिए मुझे 2, 1-2। ओके चलो भाई आगे। ये इनकी टास्क है क्या यहाँ पे, कोई नहीं, कोई टास्क नहीं है, कुछ नहीं। चलो निकलते हैं यहाँ से, धीरे धीरे निकल जाएंगे यहाँ से फटाफट से। तेल अपने पास अभी बहुत सारा भाई, 594 लीटर तेल है, अभी कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट भाई, अब दूसरा रास्ता देख लो। ओके 100 मिले भाई यहाँ पे वुड ब्लैंक के लिए, और पोलर बेस है वहाँ पे, ठीक है। चलो सीधा जाके और भाई लेफ्ट को जाना। चल भाई कमाज काके कट दे चौक दे फटे फटाफट। तो इसके अंदर ऊंचाई नीचाई काफ़ी है भाई, देखो उसके अंदर भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। और इसके अंदर देखते हैं, अभी तो कोई मड नहीं मिली ज़बरदस्त उस मैप में, नॉर्थ पोर्ट में भाई बहुत मड है। तो ये ऊंचा इलाका है यहाँ पे, मतलब जब हम निचले इलाके में जाएंगे तब जाके हमें मिलेगी मड। और यार तू सीधा चल ले भाई, भाई इतनी बर्फ़ है, ये स्लिप कर रहा है। और मैं गलत आ गया क्या, और मैं कहाँ पे आ गया भाई भाई रास्ता अच्छा वहाँ से था। अच्छा यहाँ पर क्या है, अच्छा ट्रेलर स्टोर है भाई यहाँ पे। ओके चलो, हमने ट्रेलर स्टोर को खोज तो लिया, ढूंढ लिया। चलो वापस करते हैं ट्रक को, यार गलत आ गया। तो दोनों रास्ते एक ही थे, मुझे लगा तो यहीं से होगा, काट लेता हूँ यहाँ से। यार पेड़ बहुत है यहाँ पे, एक मिनट देखता हूँ कटेगा अभी। नहीं भाई नहीं कटेगा, आगे चढ़ाता हूँ इसको ऊपर, पीछे कर भाई, ऊपर चढ़ाते हैं इसको बर्फ़ के। ए यहाँ पे चढ़ जा, चढ़ जा भाई थोड़ा सा, बस अब काट दे वापस, बस कट जाएगा। आ जा, ले आ, खींच दे। छोटा सा पेड़ है तोड़ दे, कोई बात नहीं भाई। खंबा आ गया आगे, ओ यार ये खंबा कहाँ से आ गया, खंबा खत भाई, निकालनी पड़ेगी इसको यहाँ से। गलत मोड़ ले लिया भाई यहाँ से। चलो भाई अब नए आए ना मैप के अंदर, अभी कुछ मालूम नहीं है, अभी रास्ते पता नहीं है। चलो ये अच्छा है कि बहुत आगे नहीं गया, पास में ही था, तो फटाफट से निकल जाएंगे। और ऊपर जाना था भाई यहाँ से, बस भाई स्लिप हो रही है गाड़ी बहुत तगड़ी, ब्रेक मार रहा हूँ तो टायर स्लिप कर रहे हैं। ओ भाई यहाँ तो पत्थर भी गिरे हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये माउंटेन मेज कर देंगे जल्दी से, और जितने हो जाएंगे मुझसे भाई, मैं फटाफट कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे मिशन है भाई, अब इसमें दुनिया भर के। ओ भाई ये क्या आ गया, अच्छा तो हम आ चुके हैं दोबारा से टनल के पास। ये टनल कौन सी है भाई, ये अगले मैप में जाने के लिए है क्या? ओ भाई ये अगले मैप की वाइट वैली, तो ये वाइट वैली, हमें जाना वैली में, अभी वैली में बाद में चलेंगे, अभी चलते हैं इधर इस मिशन को करने के लिए। अब जाना भाई नीचे, ये लो भाई ढलान आ गई, आराम से भाई। अगर फुल स्पीड पर लेके जाऊँगा और ये ट्रक डैमेज हो गया तो मुझे लगता है इसमें गैराज भी नहीं है, तो फिर मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा नॉर्थ पोर्ट पे रिपेयर करने के लिए, या फिर मुझे वहाँ से गाड़ी मंगानी पड़ेगी भाई इसको सही करने के लिए, सर्विस ट्रेलर वगैरह। देखो भाई स्लिप कर रहा, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा भाई। ढलान है और बर्फ़ भी है, आप समझ सकते हो, ढलान के ऊपर बर्फ़। ओह माई गॉड, और ये देखो डैमेज। तो यहाँ पर भी भाई पाइपलाइन बिछी हुई है पूरे मैप के अंदर, और पाइप अभी मेरे मुंह पे लगा, मेरे शुगर है, दान नहीं टूटे, बच गया। तो यहाँ पर लेना था हमें क्या भाई, यहाँ से लेना वुडन प्लैंक एक, लो भाई इसकी 100 मिल आ गई है, और यहाँ से लेते हैं एक और वुडन प्लैंक एक, ठीक है भाई। 3 पॉइंट का माल हुआ यानी कि अपने पास। अब एक मिनट देख लेता हूँ रास्ता, तो ऐसे ही खुल जाएंगे ये वॉच पॉइंट, वैसे तो यहाँ पर था, ट्रक से भी खोल सकते हैं। अब देखते हैं भाई रास्ता इसका, देखो तो यहाँ से जाके, और भाई ये पानी है सारा। ओ भाई पानी के अंदर से भी रास्ता है, लेकिन अभी पता नहीं किधर है। ओ ये नदी है भाई यहाँ पे बहुत बड़ी, चलो बाहर निकाल के आगे जाना। चल बेटा चल पीछे चल, एक मिनट यहाँ से रास्ता है क्या, नहीं, हाँ है भाई रास्ता है आगे से, देखो
ये अच्छा है, दोनों तरफ से रास्ता बना रखा। कॉल भी लॉन नहीं करा था क्या? ओ बोल गया। चलो भाई चलते हैं हम लेके इधर से, इधर से निकलना। एक मिनट भाई, रास्ता भी नया नया है, मैं अभी इस मैप में नया आया हूँ एकदम, मुझे मालूम नहीं। तो ये पोलर बेस का रास्ता अच्छा इधर से। ओके चल भाई इधर से निकाल, उधर है भाई पोलर बेस। हाँ यही जॉब थी पोलर बेस वाली, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था मैं, क्योंकि इतने सारे मिशन खुल गए थे अचानक ही, तो ढूंढने भी पड़ते हैं ना मिशन भाई, कौन कौन सा मिशन खुला है कौन सा नहीं खुला। और यहाँ पे है भाई थोड़ी सी मड, ये मड नहीं है अच्छा है, पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पे, तो नदी बह रही है यहाँ पे। ये शॉर्टकट है क्या? नहीं भाई ये रास्ता तो है लेकिन पता नहीं है किधर जा रहा है। ये रास्ते होंगे, अभी इसमें अपग्रेड वगैरह नहीं मिली ना, तो अपग्रेड वगैरह मिलेंगी शायद, तो उसके रास्ते होंगे। तो ये छोटे छोटे रास्ते होते हैं छुपे छुपे से। चल भाई भगा ले भगा ले। ये है भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री, यहाँ से भी देखो बड़े बड़े पीस उठा के लेके जाने पड़ेंगे। चलो इसको बाद में देखते हैं। तो गाड़ी लानी पड़ेगी भाई अपनी, क्योंकि टास्क ढूंढने के लिए तो गाड़ी। ओ भाई ये क्या, ओ भाई यहाँ पर एक पाइप ये गिरा हुआ, एक मिनट। अच्छा तो ये भाई रास्ता बंद है, ये रास्ता परमानेंट बंद है भाई यहाँ पर। ओ ट्रेलर स्टोर भाई एक और है यहाँ पर, एक मिनट। ओ एक और था भाई, कहाँ गया? ये रहा भाई ट्रेलर स्टोर, इसके अंदर एक ये है और एक यहाँ पर है, ये फैक्ट्री के अंदर। वाह भाई वाह। अच्छा तो ये शॉर्टकट भाई यहाँ से है देखो, बीच में से। तो ये रास्ता मुझे लगता है इसकी टास्क होगी या नहीं होगी कोई पता नहीं है, तो अब जाना पड़ेगा पहाड़ी के अंदर से भाई, इस रास्ते से। चल भाई चढ़ा दे, चढ़ा दे काके। ये क्या पड़ा भाई पीला पीला? अच्छा भाई पीला सा पेड़ पड़ा हो, मुझे लगा कि कुछ गाड़ी वाड़ी है, ट्रेलर खड़ा। ले ले ले, कहीं रास्ता देख तो लूँ। ओ भाई जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। तो बाहर से अच्छा रोड था लेकिन कमबख्तों ने मुझे मड के रास्ते भेज दिया। ये मुझे फंसाने के लिए भाई पूरी तैयारी करके बैठे रहते हैं। देखो मुझे लगता है वो पाइप की कोई टास्क नहीं होगी, शायद वो परमानेंट गिरा हुआ है, हमें ये शॉर्टकट मार मार के आना जाना पड़ेगा। ये मज़े लेने के लिए बना रखा है इन्होंने, फुल परेशान करने के लिए। तो अब जाना था किधर? अबे यार किधर जाना था बार बार, कोई मैप ही बना दो इसके ऊपर कम से कम। चल भाई इधर को चलना, काट दे काट दे काट दे, खंभा तोड़ दे। बच गया बच गया बच गया, शुक्र है खंभा नहीं टूटा। अच्छा तो मैं अभी अभी यहाँ से गया था देखो, और इधर को जाना है। अभी अभी मैं इधर से गया था वेयर हाउस पे ना, तो यही रास्ता है। ये पोलर बेस भी देखो कहाँ बना रखा है, कम्बक तो अच्छी जगह बनाया करो, बर्फ़ के अंदर बना रखा है भाई। और पीछे यार टावर कितना बड़ा लगा हुआ है भाई, तगड़े तगड़े काम होने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त मिशन होने वाले हैं। और यहाँ पे है भाई मड बहुत ज़बरदस्त, इतनी नहीं है जितनी उसमें थी नॉर्थ पोर्ट में, ये तो छोटी सी है। अरे ये तो मेरे कमाज के लिए कुछ भी नहीं है। लो भाई ले आए तुम्हारा माल। ओ भाई यहाँ पे खड़ा भाई एक ट्रेलर और एक खड़ी है टास्क। लो भाई अभी देखते हैं कौन सी टास्क है, ये क्या कह रही है। ओके भाई इसको दबाते हैं सी और करते हैं FFF FFF। लो भाई 2100 रुपये मिला, चल बेटा निकाल दे वापस। चलो भाई आज कितनी हो गई, 3-4 टास्क तो हो ही गई। एक मिनट भाई वहाँ पे भी देख लूँ, ये एक ट्रेलर खड़ा है, कर्टन साइड ट्रेलर खड़ा हुआ। तो यार अब इसकी ये तोड़ दूँगा मैं। हाँ ओ भाई अपग्रेड मिली पीछे एक, एक मिनट इसको ले लेते हैं पहले। ये टास्क है भाई कोई कुछ पहुँचाना है, देखते हैं कौन सी है। और पीछे यार एक अपग्रेड मिल गई, इसको ले ही लूँगा, ट्रक से ले लेता हूँ भाई, मैं बार बार गाड़ी लेके थोड़ी आऊँगा इतनी दूर, आए तो हुआ हूँ यहाँ पे। अपग्रेड लोकेशन फाउंड, लो भाई अपग्रेड मिली, देखते हैं किसके लिए मिली है। ये फ्लीट स्टार ट्रक और वाइट वेस्टर्न स्टार के लिए मिली है भाई। ओके क्या चीज़ है ये, इंजन मिला है। हाँ ओके करते हैं इसको एंटर। ओके चल भाई निकाल दे इसको वापस, और जगह है यहाँ से निकालने के लिए। अबे कमबख्त तो इतनी छोटी छोटी जगह बना रखी है, तो मैं पता नहीं मैं इतने लंबे लंबे ट्रेलर लेके आने वाला हूँ। अबे यार ये गाड़ी से कैसे फंसी हुई यहाँ पर, चल 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 निकाल दे भाई इसको, यहाँ से निकालूंगा कैसे अब। ओ भाई मेरे इतनी तगड़ी डैमेज मार दी इसने, तो ये नहीं निकलेगा भाई यहाँ से, बहुत मुश्किल है भाई बहुत मुश्किल।
एक मिनट काम करते हैं, सीधा निकालते हैं बर्फ़ के अंदर से। तो एक मिनट अभी देखता हूँ क्या टाइम हो गया। इसको लेके जाना है अब तो। ठीक है यार, बहुत होगा इतना आज का गेम प्ले। तो अगली बार देखता हूँ मैं। ये जो टास्क मिल गई है, एक हमें टास्क मिलती है, इसके अंदर देखो एनवायरमेंटल इशू। तो ये रिसर्च जोन है यहाँ पे कोई, ये पास ही है वैसे तो। इस पर ये पहुँचाना है ट्रेलर। तो इसके लिए तो भाई मुझे स्काउट गाड़ी लानी पड़ेगी अपनी। तो एक काम करूँगा मैं, अगली बार स्काउट कार को यहाँ पर लेके आता हूँ, और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे जो काम है यहाँ पर इनको ढूँढ लेते हैं जल्दी से, और इस ट्रेलर व्रेलर को दे के ख़त्म करते हैं। और भाई उसके अलावा जो भी जॉब यहाँ पे हैं, देखो छोटी छोटी चीज़ को कहीं पहुँचाना होगा, इसको खोल लूँगा ना मैं। तो अपनी गाड़ी से क्या करूँगा, जल्दी जल्दी से खोल लूँगा ये सामान। अब ये मैप इतना सही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं। ठीक है, तो अगली बार होगा फिर इस छोटे छोटे टास्क को अगली बार करेंगे। तो आज मैंने भाई फटाफट से जितनी टास्क हो सकी थी वो कर दी हैं। तो इस ट्रक को मैं अभी यहीं पर रहने देता हूँ, और इसको रिपेयर वगैरह कर लूँगा अगली बार। इसका सस्पेंशन उड़ गया देखो काफ़ी सारा। तो ठीक है भाई, ये था आज का गेम प्ले स्लो रनर का। तो बताना कैसा लगा। और ये है भाई नया मैप, आज हम आए हैं नए मैप के अंदर, और भी दो मैप हैं भाई, उनके अंदर भी चलना पड़ेगा। देखते हैं एक बार, एक मिनट। तो ये खुल गया अपना, इसके अंदर देखो तो यहीं से इन्फॉर्मेशन आई थी इसकी। इसके अंदर अगर देखो तो भाई ये सामान मिलता है, लेकिन इसके अंदर गैराज नहीं है शायद। इसके अंदर गैराज है, इसके अंदर गैराज नहीं है, इनके अंदर है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। तो इससे आने जाने का रास्ता इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ इससे दोनों मतलब मैप के अंदर जा सकते हैं, वाइट वैली और पेड्रो बे। वाह भाई वाह, क्या नाम है। तो देखेंगे कैसे कैसे होगा अगली बार। ओके चलो, ये इतना आज के लिए तो बहुत है। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप नए आए हो और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। ओके दोस्तों, खाओ पियो स्वस्थ रहो और मस्त रहो, एकदम बढ़िया बढ़िया। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।